बहु सो दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सीता श्रद्धा देश की राम अटल विश्वास रामायण तुलसी सदृश बाल शशि बाल सोए कंठे गरल नाग वक्षे विभूषित अत्यद्भुतं पाहि माम आशुतोषम अत्यद्भुतं पाहि माम आशुतोषम वर प्रद शुभ प्रद तम युग पदाम्बुज सुख प्रद यश प्रद तव युग कराम्बुज करुणा जले सिक्त शुभ युग दृगाम्बुज पुरुवास हृदयाम्बुजे सीताराम गुण ग्राम युग मूर्ति जय सीताराम हर्ष नराज तिलक सुनकर नहीं विषाद वन गमन पर समभाव स्थित निर्लिप्तम निराघव कुरु कुरु कृपा श्यामल वर्ण कोमलांगम वामांगे सिय शोभितम बाण पूरित धनुष हस्ते रघुकुल नाथ नमाम्यहम् जहाँ श्री राम जी हैं वहाँ धर्म जहाँ धर्म है वहाँ सुरक्षा जहाँ सुरक्षा है वहाँ अभय जहाँ अभय है वहाँ शांति जहाँ शांति है वहाँ संतोष और जहाँ संतोषी आत्माएं निवास करती हैं उस पुण्यमयी नगरी का नाम है अयोध्या। श्री रामचंद्र स्वभाव से ही आनंद कंद सबको सुख देने वाले आज उन्हें सुख देने वाली साक्षात भगवती सीता उनके साथ सप्तपति करके उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर के उनकी जीवन संगनी के रूप में मिथिला से अयोध्या चली आई हैं और साथ में तीन भ्राताओं के लिए उनकी वधुओं के रूप में अपनी प्यारी प्यारी तीन बहनें भी लाई हैं। चारों युगल मूर्तियों के दर्शन नेत्र युगल के लिए परम सुखदायी हैं। महाराजा दशरथ के जीवन से पुत्रियों का और माताओं के मन से पुत्र वधुओं का अभाव सदा के लिए मिट गया। अयोध्या नगरी की सीमाएं हो सकती हैं परंतु अयोध्या निवासियों के आनंद की आज कोई सीमा नहीं। धूटियाँ लेकर जब से लौटे हैं अपने घर ओ रैन दिवस आनंद घन बरसे सब के हृदय प्रेम तरु सर से सिद्ध आचल भर भर कर देती फिरे सुख संपत्ति घर घर ओ अपलक जन सिया राम निहारे युगल मूर्ति पर जीवन वारे संपन्न हुआ अवध पाकर सीता मात वहां अभाव की पैठ कहां जहां लक्ष्मी साक्षात
श्री संग है श्रीनाथ। भक्तगण महारानी कौशल्या के महल के मधुमय परिवेश में घड़ी भर को चले। अंगना में कंगना चूड़िया, नूपुर का मधुमय स्वर सुना। आनंद दशरथ जी ने चौथे पन में पाया चौगुना। निज पुत्र वधुओं पर निछावर, आज तीनों रानियां धमरों के मुख से सुन रहे हैं पुष्प प्रेम कहानियां। भ्रमरों के मुख से सुन रहे हैं पुष्प प्रेम कहानियां। बचपन, यौवन, वार्धक्य, ये सब गतिमान समय के पृथक पृथक नाम हैं। आज महाराजा दशरथ का समय भी बढ़ते बढ़ते उन्हें चौथापन पार होने के कगार पर ले आया है। महाराज श्री ने राजकाज से अवकाश ग्रहण करने का मन बनाया है। श्री राम उनके उत्तराधिकारी हों, इस निर्णय पर विचार विमर्श करने के लिए अनेक राजाओं, ऋषि मुनियों, विद्वानों तथा मंत्रिमंडल को बुलाया है। यदि यह निर्णय महाराज अकेले करते तो पुत्र के पक्ष में केवल एक पिता का होता। इस पर सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त करना राजोचित मर्यादा का पालन करना है। पार हो चला है चौथापन, श्वेत केश झलकाए दर्पण। यह विचार करते अब राजन, राम को सौंपे राज सिंहासन। मंत्री सभासद और प्रजाजन, भिन्न भिन्न नगरों के राजन, दशरथ का संदेश सुनाकर मांग रहे सबका मत गुरुवर। शुभ मुहूर्त मंगल लगन, शुभ ग्रह योग मिलाए, राज तिलक की राम के जी गुरु सुति थि बताए। दशरथ के संग सभी चाहे, वे अवध के राजा बन जाए। त्रिभुवन जिनकी राजधानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कोमल वाणी में परिचारकों से कहा, क्षीर सागर के निवासी नारायण के अभिषेक हेतु सर्व तीर्थों का जल एकत्रित किया जाए, अभिषिक्त करके युवराज को सिंहासन पर स्थापित किया जाए। पृथ्वी पर रामराज की स्थापना हो, धर्म की संस्थापना हो, जन जन का कल्याण हो, इससे अधिक मंगलमय कार्य मेरे हाथों दूसरा नहीं हो सकता। यह पृथ्वी के लिए भी परम गौरव प्रदान करने वाला संवाद है। राजा दशरथ के इस मनोरथ का विधिना के अतिरिक्त सभी ने मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। दशरथ जी को सराहा, यह निर्णय सबका मन चाहा। ओ सब उस दिन की राह निहारा,
सुहासन जब राम पधारे। ओ कैकेयी को राम अति प्यारे, राम पे वो सर्वोनिधि वारे। दशरथ जी ने जब कही राज तिलक की बात, सुनकर परमानंद से भर गई के कई मात। यह शुभ शुभ संवाद प्राण प्रिया से बांट कर, लेकर हर्ष प्रसाद बहिर्गमन दशरथ किया। और हर्षातिरेक से भरकर कैकेयी ने नवरत्नों का हार तुरत उतारा कंठ से, शुभ अवसर पर वार बोली ये रे मंत्र। परंतु न जाने क्यों और किस कारण से किया नहीं स्वीकार दासी ने उस हार को, देख के ये व्यवहार रानी अचरज में पड़ी। मंथरा यदि इस समय दासी होती तो रानी के दिए हुए नौलखा हार को कंठ में झुलाकर सारी अयोध्या में नर्तन करती फिरती, बहुमूल्य निधि का प्रदर्शन करती फिरती, परंतु वह तो देवताओं की कठपुतली बनी हुई है। उसके बोल सरस्वती प्रदत्त, भूमिका दैव प्रदत्त, योजना नारायण प्रदत्त, ऐसे में ऐसा करने के अतिरिक्त और वह क्या करे। कैकेयी को मंथरा रही ये भेद बता, राजन मीठा बोल कर कड़वा रहे खिलाए, तुमको समझना। मंथरा बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, भरत और शत्रुघ्न है दोनों ही ननिहाल, राज तिलक की योजना ऐसे में एक चाल, कौशल्या की चाल। कैकेयी सचमुच कुछ नहीं समझ पा रही थी, मंथरा देव प्रेरित बातें कहे जा रही थी। राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी, उसकी ही आज्ञा मान उठोगी बैठोगी और उसी की दया का दिया पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी। बह गई यदि भावनाओं के प्रवाह में तो दिन रात बैठी बस आंसू ही बहाओगी, राज तिलक यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी। रानी मंथरा की बात सुनी अनसुनी कर बोली, जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा अकेली एक तो ही
स्वामी ने रोष में भरकर दासी से पूछा, चढ़वाए मुझसे मेरे भरत का अहित न देखा जाए, सोचो कोई उपाय। अरे गुरुपा, यदि राम का राज तिलक तुझे खल रहा है, भरत के लिए मन जल रहा है, तो उपाय भी तू ही बता। मंथरा देव प्रेरित कुबुद्धि को यूं उपयोग में लाने लगी, हित भरत का है क्या करने में, रानी को युक्ति सुझाने लगी। दो वर के लिए दशरथ के दिए वचनों की याद दिलाने लगी, कैकेयी भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी। देव योजना बनाए, सरस्वती सहायता करे, तो सफलता में संदेह कहाँ रह जाता है। अंगों से आभूषण उतार वह कोप भवन में जा बैठी, बिखरे केश और मलिन वस्त्र कुछ अद्भुत वेश बना बैठी। यह दशा देख कर दशरथ जी पर जैसे उल्का पात हुआ, जड़ हुए चरण और कंठ शुष्क, मन चिंतित कंपित गात हुआ। दशरथ जी समझ नहीं पा रहे थे कि रंग भवन की नायिका कोप भवन में क्यों आ बैठी है। उन्हें सर्वदा तुष्ट करने वाली प्रियकारिणी रुष्ट क्यों हो गई है? क्या कोई अपूर्ण मांग उसे यहाँ ले आई है, या विधना ने नई योजना बनाई है? पूछने रानी से क्यों ऐसा वेश बनाया है, किस कारण है मन खिन्न प्रिय, तुम्हें किसने दुख पहुंचाया है, कहो किस निर्धन को राजा कर दूं, किस राजा को दीन करूं, तुम्हें किसने रुष्ट किया बोलो, मैं किसको जीवनहीन करूं। दशरथ जी के पूछने पे वह उत्तर को रही कंठ में रोके, हाथ से हाथ का स्पर्श किया तो हाथ झटक दिया निष्ठुर होके, कामना आई कोई मनुहार तो अंत में बोले धीरज खोके, राम शपथ सब तुम पे निछावर, चाहो जो मांग लो निर्भय होके, पहले जैसी सजो संवरो फिर, चाहो जो मांग लो निर्भय होके। राम बहुत प्रिय दशरथ जी को, राम की शपथ नहीं साधारण, यह
से श्वास लिए मति मंद लगी करने आभूषण धारण। दशरथ के दिए आश्वासन ने कर दिया हर शंका का निवारण। मांगने में है विलंब नहीं वर पाने में कोई विलंब का कारण। राम शपथ ने कर दिया मानो मन की हर शंका का निवारण। दशरथ से वर मांग नहीं दुराग्रह साधिकार करती हूँ निवेदन। दो पहला वरदान भरत को राज सिंहासन। कर्मनिष्ठ है भरत आचरण से है योगी। राम को भी इस निर्णय पर आपत्ति ना होगी। महाराज मैं जानती हूँ रघुवंशी प्राण हारते हैं वचन नहीं हारते। यही विश्वास रखकर दूसरा वरदान मांग रही हूँ। बदला लिया रानी आशा तरु था फलने वाला उसे समूल नष्ट कर डाला। बटेर पे झपटे जैसे सहमे नृप कुछ कह नहीं पाए। वर कुपात्र को दे पछताए। दशरथ जी के मौन पर भर चुन चुन कर देने लगी उलाहने और दोष। क्या नहीं भरत सुपुत्र तुम्हारा राम को चाहा उसे बिसारा।
कई कई का रुख देख कर दशरथ जी को ये समझते देर न लगी। वर दिए बिना अब मुक्ति नहीं, बचने की कोई युक्ति नहीं, विधना ही आज निशानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। विधना की अंतर्निहित लीला कुछ और है, मंथरा के कई दशरथ ये तो केवल उसके मोहरे हैं। कैके सजीव निठुराई, तनिक दया दशरथ बिनाई, देती रही अपघात की धमकी, नृप के मन बिजली सी चमकी। रहे भोर तक दोनों उलझे, कैसे भी न समस्या सुलझे। कैके ने वह बाण चलाया, जड़ हुई वाणी निर्बल काया। सूर्योदय हो भी गया, जागा नगर समस्त, दशरथ के दर्शन बिना जन जन चिंताग्रस्त। राज काज की पूछने करने नित्य प्रणाम, चिंतित मंत्री आ गए कैके के धाम। महल में आकर सुमंत जी की संदेह जनित चिंता और भी बढ़ती जा रही है, वे देखते क्या हैं कि महल तथा परिवेश भयावे है, कैकेयी का वेश भयावे है। सुध बुध ज्ञान चेतना खोकर, भूपति पड़े भूमिगत होकर। भेद दूर बुद्धि की पकड़ से, मानो वृक्ष उखड़ गया जड़ से। कोई कुछ बोले न बताए, यह रहस्य बढ़ता ही जाए। सुमंत के जिज्ञासा भरे प्रश्न को पढ़कर वह कहने लगी, नहीं भोजन विश्राम नहीं, नहीं हास्य नहीं बैल, राम की सुध में विकल नृप जागे सारी रैल। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। चतुर सुमंत्र ने जान लिया, कैकेयी ने ही ये कुचाल चली है। राम का राज तिलक होगा, यह सुनकर वो सर्वांग जली है। किंतु सुमंत्र समझ नहीं पाए, किंतु सुमंत्र समझ नहीं पाए, देवों की रणनीति फली है। दशरथ को छलने वाली रानी की मति विधना ने छली है। कोप भवन में बैठी हुई कैकेयी की मति विधना ने छली है। सुमंत्र जी ने
आज से पहले न ऐसे दशरथ जी देखे थे न ऐसी कैकेयी। कैकेयी के कई कई रूप जिन पर दशरथ जी बलिहारी जाते थे, आज का रूप और वेश उनसे सर्वथा भिन्न था, जिसे देखकर सुमंत्र जी का मन अत्यंत खिन्न था। सुमंत्र जी को जिन देवी देवताओं के सुमंत्र स्मरण थे, वे उनका जाप करने लगे ताकि उन्हें जिस अघटन के घटने की आशंका है वह टल जाए। महाराज की दुर्दशा देख तथा कैकेयी का आदेश सुन सुमंत्र जी चल तो दिए, परंतु राम के कक्ष की ओर सुमंत्र से एक भी पांव धरा नहीं जाए। अटके हूँ यदि कंठ में बोल तो केवल जिह्वा कैसे बुलाए। दशरथ जी की दीन दशा, दशरथ जी की दीन दशा, जो देख के आया वो कह नहीं पाए। इस स्थिति में किया मरण पिता ने, सचिव बताने में सकुचाए। कैकेयी की कुटिलता नृप की दुर्बलता बरनी नहीं जाए। सुमंत्र राम के कक्ष तक पहुंच तो गया है, किंतु किं कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा है। रघुकुल मणि राम का सुमुख निरख, क्या कहने आया भूल गया। संकुचित भाव से राजाज्ञा दी राम को, फिर मंत्री ने सुना। संकुलित राम मंत्री के संग, पग धरते चले असंयत से। ये देख के जन जन चिंतित है, बस राम ही परिचित आगत से। महाराज अज के पुत्र, तीन रानियों के पति, चार पुत्रों के पिता, अवध के कर्णाधार, क्या यही दशरथ हैं? वह सूर्य वंश का सूर्य प्रखर, निस्तेज भूमि पर पड़ा हुआ। दशरथ की यह दुर्दशा देख, आश्चर्य राम को बड़ा हुआ। गतिमान जो सिंह समान रहा, आज उसकी ही गति बाधित क्यों। जो देवासुर संग्राम लड़ा, वो जित संग्राम पराजित क्यों। राम जी कभी जाल में फंसे विवश पिता, तो कभी जाल बिछाने वाली निर्दयी माता को देख रहे हैं। अंतर में ज्वालामुखी लिए, आँखों में भर कर अंगारे। कैकेयी सन्मुख यूं बैठी, यूं क्रोध स्वयं काया धारे। प्रभु आर्द्र चित्त कोमल स्वभाव, मृदु वाणी में यूं पूछ रहे। मैं यत्न करूं दुख कम करने का, दुख क्या है यदि कोई कहे। कैकेयी ने कहा कि देवासुर संग्राम में दिए हुए थे दशरथ के कोश में मेरे दो वरदान, मांग लिए मैंने वही, आज सुअवसर जान। दुविधा में श्रीमान दैव प्रेरिता कैकेयी
अपने पक्ष में बोलती जा रही है, राम संयत होकर सुन रहे हैं। कैकेयी को कैसा निर्भीक बना दिया है, उनके चरित्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है, तभी तो ऐसा कह रहे हैं। मेरा मनोभाव सुनो। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कदापि कुमाता नहीं हो सकती। और फिर मैं तो बाल्यकाल से ही तुम्हारे स्नेह का पात्र रहा हूं, और ये भी भली भांति जानता हूं कि तुम मेरा अहित चिंतन स्वप्न में भी नहीं कर सकती। मेरा मन वन गमन का तनिक भी विरोध नहीं करता, वरन मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि जो सौभाग्य आयु के अंतिम चरण में प्राप्त होता है, वह तुम्हारी अनुकंपा से इसी चरण में प्राप्त करने जा रहा हूं। सुन माता, तूने कही मम हित की हर बात, आज्ञा देवन गमन की व्यर्थ विकल है तात। मेरी दृष्टि और मेरी समझ में पुत्र वही बड़ भागी, मन और वचन से जो पितु मातु चरण अनुरागी, पिता और माता को मैं शिव पार्वती सम मानू, उनकी आज्ञा उनकी इच्छा को सर्वोपरि जानू। भरत को देख अवध का राजा जो आनंद मिलेगा, तीन लोक का राज भी मुझको वो आनंद न देगा, नहीं इतना कृतघ्न जो तेरे ऋण से आंख चुराऊं, तुझसे मिला अपार स्नेह मां किस कारण बिसरा। गुरु वशिष्ठ की गणना में थी शत प्रतिशत सच्चाई, जो शुभ तिथि शुभ कार्य हेतु शोधी थी वह अब आई,
बीत न जाए बेला संत मिलन की असुर दलन की। मातु पिता दो शीघ्र विदा मुझे गोद पुकारे वन की। दशरथ जी ने विधिना के प्रभाव के कारण, कैकेयी के दबाव के कारण, रघुवंशियों के स्वभाव के कारण और आत्मबल के अभाव के कारण राम जी को वन जाने की आज्ञा तो दे दी। अब अपने वंश के अधिष्ठाता सूर्यदेव से उदय न होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वे जानते हैं कि कल का सूर्य यदि उदय हो गया तो अयोध्या में 14 वर्ष के लिए अंधकार छा जाएगा और उनके प्राणों का आधार डगमगा जाएगा। इसलिए वे अशक्त होकर शक्तिमानों की शरण में आ बैठे हैं। दशरथ यह विनती करें ब्रह्मा से कर जोड़, ऐसी मत दो राम को जाए न वन गृह छोड़। ओ आशुतोष में तुम्हें मनाऊं, जल प्रिय जल नैनों का चढ़ाऊं। ओ राम के हृदय प्रेरणा भर दो, मेरे वचन से मुक्त से कर दो। ओ दोष वचन खंडन का शंकर, लेता हूँ मैं अपने सिर पर। तज भले नरक में जाऊं, ओ जी सकता दुस्सह दुख सह कर, जीना कठिन राम बिन रह कर। ओ राम जन्म का हेतु पूर्ण कर, शीघ्र लौट आऊंगा पितुवर। तात पूर्वजों के सुने जितने पुण्य प्रसंग, कभी किसी ने भी दिया वचन किया नहीं भंग। कट जाएगी शीघ्र अवधि वन की, कर वचन भंग मुझे गुरुजन की। मर्यादा नहीं घटानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। श्री राम प्रण को प्राणों से अधिक महत्व देने वाले रघुवंश के वंशज हैं। वे मानव रूप में पिता का वचन निभाने, दैव प्रेरिता माता को सुख पहुंचाने, नारायण रूप में भूदेवी तथा देवों के संकट मिटाने, पूर्व निर्धारित लीला रचाने वन की ओर चले हैं। सुख के दिन कितने शीघ्र ढले, पर आंसू मिटी सब स्वप्न जले। चाहे मानव हो
वापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई। पितु का प्रण पूर्ण करने में, माँ के वचन पालन करने में तनिक न देर लगाई। तापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई। राम सिया की सेवा रक्षा करने को पुत्र सुमित्रा ने सौंपा। लखन कवच वन संग चला और सीता संग चली वन छाया। बोली सुमित्रा लखन से अब तेरे, बोली सुमित्रा लखन से अब तेरे। राम पिता सियमाई तापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई। प्रभु कौशल्या के द्वार खड़े वन गमन की आज्ञा मांग रहे। से रखना जनक दुलारी को जतन से रखना। राम लखन दो भाई तापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई। दशरथ के प्राण चले, माता के अभिमान चले। चले हैं सुख आनंद अवध के, जन जन के भगवान चले। रोके रुके नहीं राम तो संग में, रोके रुके तो संग में सारी अयोध्या आई। तापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई। पितु का प्रण पूर्ण करने में, माँ के वचन पालन करने में तनिक वेश बना कर वन को चले राम रघुराई। संग में लक्ष्मण भाई चली जानकी माँ।